वो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री कॉस 22.5 डिग्री। ठीक है, तो आप इसमें देखो कॉस 2a वाली आप फॉर्मूला जानते हो। कॉस 2a जो होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अब a इक्वल टू 22.5 डिग्री लिख लो, a इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 2a क्या बन जाएगा, कॉस 45 बन जाएगा। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1। कॉस 45 1 बाई रूट 2 प्लस 1 इधर लेके आ जाएंगे, 1 बाई रूट 2 ये 1 इधर लेकर आ जाएंगे प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करो तो रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, ये 2 को हम इस तरफ लेकर आ गए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। देखो एक और चीज इसमें क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे रूट 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब यहां से लिख लो कितना हुआ कॉस 22.5 डिग्री, पॉजिटिव वैल्यू आएगा क्योंकि कॉस 0 से 90 में प्लस आता है तो अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ये देखो कॉस 22.5 डिग्री का हमें वैल्यू मिल गया। अब साइन निकालना है, साइन 22.5 डिग्री तो साइन 22.5 डिग्री। तो देखो कॉस स्क्वायर 22.5 प्लस साइन स्क्वायर 22.5 1 के बराबर, तो साइन स्क्वायर 22.5 1 माइनस कॉस स्क्वायर 22.5 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 22.5 तो 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। इसे करो तो 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से लिख सकते हैं साइन 22.5 डिग्री, अंडर रूट ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा क्योंकि जानते हैं साइन 0 से 180 डिग्री में पॉजिटिव ही आता है तो अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपको इतना सही तरीका आपको पता होना चाहिए निकालने का। ठीक है, कॉस स्क्वायर पता था, साइन स्क्वायर हम निकाल लिया 1 माइनस करके और फिर अंडर रूट ले लिए इसका, तो आपको ये पता होना चाहिए साइन 22.5 और कॉस 22.5। ठीक है, तो आप ऐसे इसको निकालना सीख लें।